फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त आप देख रहे हैं बलोज एड्स यूट्यूब चैनल तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम बी डिफेक्ट पर अपने शॉर्ट किस तरह से लगाएंगे बी डिफेक्टर बी डिफेक्ट पर हम क्रिकेट की वीडियो किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने सिंपल करना है कि मास्टर को ओपन करना है ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है जो क्या आपके पास म्यूजिक पड़ा हो चाहे ऑडियो में हो चाहे वीडियो में हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तो मेरे पास वीडियो में पड़ा तो मैं यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा ठीक है तो यहाँ से मैंने ये अपनी वीडियो सेलेक्ट कर ली ठीक है अब वीडियो से आपने किस तरह से ऑडियो को सेलेक्ट करना है आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने क्लिक करने के बाद पहले पिछली वीडियो मैंने आपको कैप में बताया कि हम बीट इफेक्ट पर किस तरह से अपने बैट साउंड लगा सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में काइन मास्टर में बताने वाला हूँ क्योंकि काइन मास्टर में मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ और वैसे भी बीट इफेक्ट मॉन्टेज जो पबजी के हैं वो इसी में ही बनते हैं ठीक है तो आपने फ्रेंड सिंपल करना कि यह मैं म्यूज़िक लेके आ चुका हूँ आप अपना ऑडियो का भी लेके आ सकते हैं ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था ठीक है यहाँ से हम इसकी ऑडियो से यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ठीक है अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो ऑडियो है वो नीचे एक्सट्रैक्ट हो गई है अब थोड़ी देर के बाद आपकी ऑडियो के अंदर जो लेरिक है वो भी आ जाएंगे आप देख सकते हैं ये लेरिक्स आ रही हैं ठीक है अब इसमें हम बीट इफेक्ट किस तरह से मार्क करेंगे कैप कट अपलीकेशन में तो हम ऊपर ऐड बीट कर सकते थे लेकिन यहाँ किस तरह से करेंगे यहाँ पे आपने इस तरह से करना है ये जो आपको इधर पट्टी नज़र आ रही है ना ये वाली रेड वाली जहाँ पे टाइम लाइन होता है टाइम नज़र आता है ठीक है ये वाली इसके ऊपर आप जैसे इस तरह से क्लिक करेंगे ये ये ब्लू हो जाएगी यानी कि यहाँ पे ये बीट ऐड हो जाएगा ठीक है इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपने इसके ऊपर टैप करके रखना है और रिमूव कर देना ठीक है यहाँ से तो ये रिमूव हो जाएगा तो अब हम इसमें बीट इफ़ेक्ट जो है वो ऐड करेंगे सबसे पहले अब आप मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ तो देख सकते फ्रेंड कुछ इस तरह का ये बीट है ठीक है अब जैसे इस पर बीट आएगी तो मैं यहाँ से इसको बीट लगाता जाऊँगा ठीक है अब ये जो एंड वाला बीट मैंने लगाया ना यहाँ पे ये बीट मैंने इस तरह से लगाया जैसे लेरिक स्टार्ट होती है जैसे मैंने आपको कैपकाट में बताया था जैसे लेरिक स्टार्ट होती है जो सिंगर होता है वो एकदम से ज़ोर लगाता है तो हमारी जो बीट है वो उभर के आती है हमारी ऑडियो तो वहाँ पर मैं बीट इफेक्ट ऐड कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैंने बीट इफेक्ट ऐड कर दिया देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बीट इफेक्ट ऐड हो चुके हैं अब हमने यहाँ पे अपनी वीडियो किस तरह से लेके आनी है ठीक है आपने सबसे पहले ये जो ऊपर मैंने ये सेलेक्ट किया होने इसकी जगह आपने ये सेलेक्ट नहीं करना ये तो मेरे पास एक वीडियो पड़ी थी तो इसलिए मैंने वहाँ से ऑडियो को एस्ट्रेक्ट किया ठीक है थीके? इसकी जगह आपने इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ जो रिप्लेस करना है यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ठीक है यहाँ से बैकग्राउंड में कोई सिंपल सा लेके आता हूँ ठीक है बीट इफेक्ट खड़े हुए हैं चलो अच्छी बात है बीट खड़े हो गए ठीक है अब ये बैक ब्लैक बैकग्राउंड आ गया अब आपने इसमें क्रिकेट की वीडियो लेकर आने ठीक है वो किस तरह से लगाएंगे आपने सबसे पहले ऊपर इस लेयर पे क्लिक करना है लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आप आपके पास आपके पास जो भी क्रिकेट की वीडियो पड़ी है ना वो आप लेके आ सकते हैं ठीक है अब वीडियो मैंने वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल करना है फ्रेंड्स इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको फिल स्क्रीन कर देना है अब फिल स्क्रीन करने के बाद आपके सामने क्रिकेट की वीडियो तो आ गई है लेकिन आप सबसे पहले आपने फ्रेंड्स वीडियो को कोई भी एडजस्ट नहीं करना ठीक है आपने सिंपल जहाँ पे बीट इफेक्ट ऐड किया ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाला ठीक है इसके ऊपर आपने बैड साउंड लेके आना तो बैड साउंड हमने किस तरह से एडजस्ट करना है आपने ऑडियो पे क्लिक करना है यहाँ पे सर्च कर लेना है आपके पास जिस नेम से भी सेव वर्डिंग साउंड ठीक है इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ अब यहाँ पर ये बहुत सारे बैड साउंड हैं ठीक है तो मैं यहाँ से ये वाला उठा लेता हूँ ठीक है यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और कैंची के बटन पर आने आपने यहाँ पर ट्रिम करना है इसको लेफ़्ट साइड से ट्रिम कर लेना है और राइट right साइड से भी ट्रिम कर लेना है और अब ये छोटा सा पार्ट हमारे पास बच चुका है इसको आपने लेके आना है कुछ इस तरह से जहाँ पे आपने बीट लगाया हुआ है ठीक है इसके ऊपर अब ये यह यहाँ पे आ चुका है अब इसी को आपने फ्रेंड्स यहाँ से डुप्लीकेट करना है ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके अगर आपको समझना है तो आप मुझसे इंस्ट, इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं ठीक है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं और वीडियो को भी सेंड करते हैं कि भाई इस तरह की एडिटिंग सिखाएं एक भाई ने मुझे वीडियो सेंड की थी कि भाई ये वाली वीडियो एडिटिंग सिखाएं तो अभी तक मैं वो वाला ट्यूटोरियल नहीं बना सका वो भी इंशाल्लाह इसके बाद आएगा क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने बीट साउंड पर सिखा दिया कि बीट किस तरह से लगाते हैं ऐड बीट किस तरह से करते हैं किसी भी म्यूज़िक पर तो इस पर हम अपनी वीडियो किस तरह से लगाएंगे तो वीडियो इसलिए मैंने ये वाला ट्यूटोरियल बना दिया आज की वीडियो आपको ये ट्यूटोरियल इसलिए दे रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने तक, तकरीबन बीट ऐड कर लिए ठीक है, है अब जो मैंने टिकटॉक पर वीडियो सेंड की थी ना आपको टिकटॉक पर मैंने वीडियो एक अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे भी आज आ जाएगी रील पे तो वो वाला जो है वो वाले बहुत सारे बीट मैंने इकट्ठे कर दिए थे आप बैड साउंड को इकट्ठा भी कर सकते हैं यानी कि इस बैड साउंड को इसके साथ साथ रख सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे उस वीडियो एडिटिंग पर तकरीबन तीन घंटे लगे थे ठीक है तो इसलिए मैं आपको कुछ इस तरह से सिखा रहा हूँ आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी पैदा करें अपने दिमाग में और ख़ुद इसको एडजस्ट करना सीखें कि इसके अंदर हम किस तरह से ये क्रिकेट जो बैड साउंड है हम इकट्ठे करके और इस पर अपनी शॉट लगा सकते हैं क्योंकि आज के आज के टटोरेल में आपको सिखाने वाला हूँ कि हम शॉट किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आप देखो इस जगह पर हमारा बैड साउंड है ठीक है इस जगह पर अब यहाँ पर हमारा बैड साउंड है लेकिन हमारी जो ऊपर ये क्रिकेट की वीडियो है इस पर कोई बैट यानी कि हिट लग ही नहीं रही तो इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे आपने सबसे पहले ना इसके पीछे आना यानी कि बैड साउंड से पीछे थोड़ा सा यहाँ पे हम इसकी स्लोमो ऐड एड करेंगे कैपकाट में जाके ठीक है सिर्फ यहाँ पे आना है और ऊपर यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करना और दरमियान से आपने ट्रिम कर देना ठीक है दरमियान से ट्रिम करने के बाद अब आपने चले जाना है वहाँ पर जहाँ पर ये इफ्तार अहमद शॉट मारता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ये हिट करने वाला है ठीक है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा आप कैंची के, के बटन पे क्लिक करना है ट्रिम टू लेफ्ट लेफ्ट से ट्रिम कर देना है ठीक है फिर इसको लेके आना है यहाँ पे वीडियो के साथ अटैच कर देना है अब इस वीडियो के साथ अटैच करने के बाद आपने बीट के ऊपर देखना है जहाँ पे हिट हो रही है वहाँ पर क्या बैड साउंड भी आ रहा है नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है इसको थोड़ा सा और इस तरह पीछे कर देना है ठीक है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर भी नहीं आ रहा अभी इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ अब यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे बैड भी हिट कर रहा है और नीचे इस जगह पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं ऑडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं बैड भी हिट करने वाला है और यहाँ पे हमारा बैड साउंड भी आ गया ठीक है अब ये शॉट हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो गई है अब इसको थोड़ा सा आगे जाना है आगे जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है इस तरह से यहाँ पर ट्रिम ठीक है ये जो नेक्स्ट बीट है ना इससे पहले पहले आपने इसको करना है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैड साउंड है यहाँ पर और मैंने इसको ट्रिम किया है यहाँ से ठीक है ये आपने अच्छे तरीके से देखना है ताकि हम इसमें एनिमेशन करेंगे उधर कैपकाट एप्लीकेशन में जाके अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बैड साउंड ऐड कर लेता हूँ ठीक है तो देख सकते हैं अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट शॉट देखेंगे तो नेक्स्ट शॉट तो तकरीबन आ गई है हाँ यहाँ पर ये बॉल कर रहा है और यहाँ पर मैं इसको सप्लेट करूँगा ठीक है सप्लेट करके इसके जाते हैं पीछे अपने भीड़ पे यहाँ पे इस वीडियो के साथ इसको अटैच करना है और बीट पे जाना है बीट पे जाने के बाद आपने देखना है क्या हमारे बैट साउंड के ऊपर ये शॉट लग रही है नहीं लग रही तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे करना है ठीक है अभी भी तकरीबन नहीं लग रही तो इसको थोड़ा सा मैं और इस तरह करूँगा ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे हिट भी करने वाला है और नीचे हमारा बैड साउंड भी आ गया, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ सॉरी देख सकते हैं कुछ इस तरह से ठीक है उसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है

बैट साउंड थे उसके ऊपर मैंने अपने सिक्स जो थे शॉट वगैरह वो लगा लिए अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार यहाँ पे तो ये जगह खाली पड़ी है अगर हम इस वीडियो को छेड़ेंगे तो हमारा जो सिक्स वाली जगह है वो ख़त्म हो जाएगी तो बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना आपने क्योंकि हमने यहाँ पर वीडियो को एडजस्ट किया हुआ है ठीक है यहाँ पर तो उसके बाद आपने सिंपल करना क्या है इसको थोड़ा सा कैंच के ऐसे कर देना ठीक है कुछ भी नहीं होने वाला आपकी वीडियो को ठीक है इसको थोड़ा सा कैंच के ऐसे कर देना ठीक है और ये वैसे भी पहले से एडजस्ट हैं ठीक है इस तरह से जो भी वीडियो अब आपने अगर एडजस्ट कर लिया ना जैसे मैंने इसके ऊपर ये लगा लिया बैड साउंड इसके ऊपर ठीक है अब ये वाली वीडियो इधर से अभी खाली है ठीक है हमारी ये जो आप देख सकते हैं ये वाले जो दो तीन सेकंड की वीडियो ये है बच रही है यहाँ पर यह ब्लैक शेड हुआ है देख सकते हैं ये वाली तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना इसको आपने खींच के इस तरह कर देना ठीक है आपकी वीडियो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली क्योंकि बैड साउंड के ऊपर हमारी पहले से हमने सेटिंग करके रख दिया ठीक है अब अपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है इसको यहाँ से करना है एक्सपोर्ट ठीक है एक्सपोर्ट करने से पहले एक और बात बताऊँगा आपको ये जो हमारा सॉन्ग है ना इसकी आपने म्यूज़िक को थोड़ा सा कम कर देना ठीक है इस तरह से ताकि आपकी जो ऑडियो है ना बैड साउंड की वो आनी चाहिए ठीक है तो ये इसको मैंने इस तरह से कर लिया उसके बाद आपने इसको कर देना एक्सपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और कैपकार्ट में जाके हम इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करेंगे और इफ़ेक्ट लगाएंगे और उसके बाद अलाइट मोशन में अगर आपने लेके जाना हो तो जा सकते हैं जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी होती है ठीक है तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ फिर इसको लेके चलते हैं कि आप क्लिप ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेने है जो अभी अभी आपने काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया है ठीक है उसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है ठीक है आपने इसको क्लिक करना है इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ से सप्लीट कर देना है ठीक है अब नेक्स्ट शॉर्ट पर जाना है यहाँ पर ये शॉर्ट लग जाती है ना स्टार्टिंग है इसको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे नॉर्मल पे क्लिक करना है यहाँ से आपने इसकी स्पीड जितनी भी कम करनी है वो कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपने ना यहाँ नीचे ओके पे क्लिक कर देना है और एक और बात बता दूँ ये जो वीडियो अभी मैंने एक्सपोर्ट किया ना इससे पहले जो मैंने आपको काइन मास्टर में जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उसमें हमने जो कमांट्री थी वो हमने म्यूट नहीं की तो आपने सबसे पहले क्रिकेट जो क्रिकेट की ओरिजिनल एक और बात बता दूं कि काइन मास्टर से एक्सपोर्ट करने से पहले आपने अपनी वीडियो की ना आवाज़ को खत्म कर देना यानी कि वॉइस खत्म कर देनी आपने अपनी वीडियो की जिस तरह से कमेंट्री होती है ठीक है उसको आपने ख़त्म कर देना ठीक है यहाँ से मैंने गलती किया पहले मैंने इसको ख़त्म नहीं किया था ठीक है अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया तो अब आपने करना क्या फ्रेंड्स आपने मैंने इसको स्लो कर लिया ठीक है जितना भी स्लो में होती थी, थी कर ली उसके बाद आपने नीचे इफेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने आने यहाँ बेसिक पे ये बेसिक वाला ऑप्शन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ से हालो बलर ये वाला आपको एक ऑप्शन मिलता है ठीक है इसको इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है ठीक है इसको यहाँ से ये इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं ठीक है थीके? इसको भी आपने बढ़ा देना है हंड्रेड तक उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है ओके पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ तक भी इसको आप लगाना चाहते हैं वहाँ तक लगा लें ठीक है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना क्योंकि इसका जो ये भलार इफेक्ट है वो थोड़ा पहले ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पर हम आएँगे यहाँ तक ये यह चलता जाएगा ठीक है तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ यहाँ पर रख लेता हूँ इसके बाद आपने यहाँ से जो भी इफेक्ट लगाने हो, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जैसे ये वाला इफेक्ट है इसके ऊपर मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद आपने सॉरी नेक्स्ट वीडियो पर ठीक है इस वीडियो से पहले आपने एक इफेक्ट लगा लिया अब इस वीडियो पर मैंने क्लिक किया ठीक है यहाँ से एनिमेशन में आना है एनिमेशन में आने के बाद यहाँ कम्बे आना है कॉम्बो में आने के बाद जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लगे ठीक है वो यहाँ से आप ले दे सकते हैं जैसे जिस तरह से ये बहुत सारे इफेक्ट हैं जो भी आपको अच्छा लगे ठीक है यहाँ से मैंने ये जूम वाला दिया ठीक है ठीक है कुछ इस तरह से ओके okay, कर दिया फिर नेक्स्ट पे चलेंगे नेक्स्ट पे जाने के बाद एनिमेशन पे क्लिक करना है कॉम्बो पे क्लिक करना है यहाँ से आप जो भी एनिमेशन देना चाहिए आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा हो ठीक है अब यहाँ से ते मैंने ते इसको ते कर लिया ठीक तो है तो इसको कर ले इसको करने के बाद इस तरह से अब अप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं ठीक है अब मैंने इसके ऊपर ज़्यादा एनिमेशन दे दिया कॉम्बो पे क्लिक करूँगा इसकी जो ड्यूरेशन है वो काम कर दो ठीक है ओके पे क्लिक कर देता हूँ अब इसके बाद आपने फ्रेंड्स क्या करना है इसको यहाँ से आपने कर देना एक्सपोर्ट जो भी आपने इसमें इफेक्ट वगैरह लगाने थे वो लगा लिया ठीक है उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट करना है इसमें मैं ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करता लेकिन अगर वो करता तो इसमें जो हमने ऑडियो ऐड की थी वो खत्म हो जाती वो अच्छे तरीके से क्लैप में अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना है कि आपने अपने अलाइट मोशन में आ जाना है लाइट मोशन में आने के बाद मैं आपको एक्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा ठीक है एग्जाम्पल फाइल भी आपने इस तरह से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोनों को आपने इस तरह से कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद वही सिंपल मैथड ठीक है अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं एच इफेक्ट तो मैंने ये बनाना भी सिखाया हुआ कि ये वाली एग्जाम्पल फाइल हम अपने अपनी खुद किस तरह से बना सकते हैं उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर, कर देना ठीक है क्रिएट प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है जो वीडियो एक्सपोर्ट किया वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है यहाँ पे ऐड करने यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से पेस्ट कर देना पेस्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह से दोनों उंगलियों की मदद से मुकम्मल वीडियो में इस तरह से जूम कर लेना ठीक है इस तरह से ये हमारी मुकम्मल वीडियो में आ गई है ठीक है तो यहाँ तक देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो एच इफेक्ट है वो लग चुका है अब इसमें एक और बात है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ सबसे पहले हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है एंड में और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये वीडियो के एंड तक चले जाएंगे ठीक है अब यहाँ पे जो ये वाली रेक्टेंगल है ना जिस पर हमने इफेक्ट लगाया हुआ है ये वाले इफेक्ट ठीक है रेक्टेंगल वन इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी ठीक है कॉपी किस तरह से करेंगे यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ से कॉपी करना है और इसी जगह पर ही पेस्ट कर देना ठीक है अब ये डबल पेस्ट हो जाएगी तो ये हमारा डबल एच डी आर इफेक्ट लग जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपने दोबारा जो आपने कॉपी की हुई है ठीक है रेक्टेंगल एगल वन इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपने इफेक्ट में इफेक्ट में आने के बाद जो गार्जियन बना रहा है इसको आपने यहाँ से थोड़ा कम कर देना है कम करने के बाद आपने गामा पे आना है गामा पे आने के बाद इसको भी आपने यहाँ पे वन रख लेना ठीक है बस इतनी सी सेटिंग करनी है उसके बाद आपने सिंपल बैक आना है बैक आने के बाद आपने अपनी वीडियो को या ऊपर एरो के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है ठीक है तो गाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई जाए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप उस तरह की बीट इफ़ेक्ट वाली वीडियो सीखना चाहते हैं एडिटिंग तो वो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्योंकि ये एक सिंपल तरीका था तो इसमें भी बहुत एक लेंथी वीडियो बन गई है तो उससे तो डबल लेंथी बन जाएगी ठीक है अगर आप चाहेंगे तो मैं वो ट्यूटोरियल बना दूंगा आपको दे दूंगा ठीक है तो मैं मिलता तो हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़